السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفين عب سب لوك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. ربنا زدنا علما. जैसे आप लोगों को पता चल गया है कि आज इंशाल्लाह हमारी सेकंड लास्ट क्लास है और मंडे को हमारी जो है वो लास्ट क्लास हो जाएगी शुरू इंशाल्लाह. तो सबको जाहिर है एक कोर्स शुरू हुआ हुआ था, सबकी एक रूटीन बनी हुई थी एक काम करने की, तो उस हिसाब से कुछ उदासी तो होती है इंसान को, लेकिन बजाते खुद मुझे बड़ी खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक जो सफर शुरू किया था वो बहुत ही अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हो रहा है. क्योंकि जैसे आता है ना कि माल का दारोमदार जो है वो उनके खवातीम पे होता है, उनकी एंडिंग पे होता है. तो देखें हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने सफर शुरू किया और जाहिर है कुछ लोगों के फिर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं लाइफ में, कोई आजमाइश होती है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते. तो वक्त निकालना खास तौर पे बहुत मुश्किल हो जाता है जब आपकी फैमिली लाइफ होती है और इन सारी चीजों को मैनेज करना. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हमने जो सफर शुरू किया वो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बड़ी अच्छे तरीके से खत्म करने जा रहे हैं. तो आज हम शुरू करेंगे, लास्ट टॉपिक है हमारा अस्माए मुश्तका के नाम से. इसमें हमारे पास ऐसे अस्मा की लिस्ट होती है जिनका हमारे पास एक उसूल और कायदा होता है. जैसे आपको जमा बनाने के लिए एक उसूल दिया जाता है कि आप वाहिद इस्म के बाद वाव नून की एडिशन कर देते हैं तो वो जमा बन जाता है. तो आपके पास एक रूल मौजूद होता है, एक उसूल मौजूद होता है. इसी तरह आपको तस्निया बनाने का एक कायदा पता है कि अलिफ नून की एडिशन से हम उसकी तस्निया बनाते हैं. तो जिस चीज के लिए आपको एक कायदा मौजूद मिलता है उसको हम कहते हैं कि वो अस्माए मुश्तका है. और जो ऐसे अल्फाज हैं, यानी क्योंकि हमारे पास दो ग्रुप्स है ना अरबी जबान में, अरबी जबान में एक ऐसा ग्रुप है जिसके लिए हमारे पास उसूल और कवायद मौजूद होते हैं जिसके जरिए हम इस्म फाइल बना रहे हैं, इस्म मफूल बना रहे हैं, जमा बना रहे हैं, तस्निया बना रहे हैं, ये हमारे पास इनके उसूल मौजूद है. लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो बस अरब लोग इसी तरह से बोलते हैं, जैसे हमने जमा मुकसर इसके जमीन में पढ़ी थी. तो इस तरह के ग्रुप को बोला जाता है जामिद. और जो हमारे पास सुलासी मुजरद के मसादिर हैं, क्योंकि सुलासी मजीद के जो मसादिर हैं उनके लिए हमारे पास एक उसूल और कायदा मौजूद है, एक वजन मौजूद है. लेकिन जो सुलासी मुजरद के हमारे पास मसादिर हैं उनका हमारे पास कोई कायदा मौजूद नहीं होता. तो ये जो ग्रुप है ये जामिद की कैटेगरी में आता है. ठीक है, जैसे यहाँ हमें कुछ मिसालें भी मिल रही हैं, गौरबुन, जहाबुन, ओलबुन, गुफरानुन, कुरूदुन, ये हमारे पास मसादिर की मिसालें जो कि सुलासी मुजरद के अबवाब में से हैं. तो ये वाला जो ग्रुप है जिसके लिए हमारे पास कायदा नहीं होता इसको बोलते हैं जामिद. जामिद ऐसी चीज होती है ना जो ठहरी हुई होती है, जिसमें कोई हरकत नहीं हो रही होती, तो इस ऐसी चीज को जामिद कहा जाता है लुगतन. लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ग्रुप है उसमें हमारे पास उसूल कोई मौजूद नहीं होता. और अस्माए मुश्तका के अंदर ऐसे अस्मा आते हैं जिनके लिए हमारे पास औजान मौजूद होते हैं, उसूल और कवायद मौजूद होते हैं उन वर्ड्स को बनाने के लिए. फिर इसमें हमारे पास कुछ इसकी अक्साम आती हैं जो कि अस्माए मुश्तका के अंदर आती हैं, जैसे इस्मुल फाइल है, इस्मुल मफ़ऊल है, इस्मुल ज़र्फ़ है, इस्मुल सिफ़ा है और इस्मुल आला है, जिसमें से इस्मुल फाइल और इस्मुल मफ़ऊल को हम इससे पहले देख चुके हैं कि
हमारे पास जो मुजरद के अबवाब से हम इस्म फाइल बनाते हैं वो फाइलों के वजन पे है, जबकि मजीद के लिए हमारे पास जो इस्म फाइल का वजन है वो हर एक बाब के लिए अलहदा से एक वजन होता है। जैसे फ़ाइल युफ़ाइलु से मुफ़ाइलुन इस्म फाइल है और मुफ़ाइलुन इस्म मफ़ऊल है। और इसी तरह इस्म मफ़ऊल के लिए जो हमारे पास सुलासी मुजरद के अबवाब हैं उसमें हमारे पास सिंपल मफ़ऊलुन का वजन है, और जो हमारे पास सुलासी मजीद फीही के अबवाब हैं उसमें हर बाब का अपना अपना एक वजन है जो कि इस्म मफ़ऊल का है। अब हमारे पास तीन अकसाम रह गई हैं जो यहाँ पर लिखी हुई है, इस्म ज़र्फ़ है, इस्म सिफ़ा है और इस्म आला है। इस्म ज़र्फ़ जो है, इससे पहले जो हमने एक टर्म पढ़ी थी वो थी ज़र्फ़ की, ठीक है, जिसमें हमारे पास कुछ वर्ड्स आ रहे थे जो कि जगह को या वक्त को शो करते हैं, यानी वक्त का या जगह का मानी देते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ ज़र्फ़ थे। अब यहाँ पर इस्म ज़र्फ़ कौन सा होता है, इसके लिए हमारे पास दो औज़ान मौजूद हैं, मफ़ालुन और मफ़ईलुन, और ये दोनों औज़ान जो हैं ये सुलासी मुजरद के अबवाब के लिए हैं, ठीक है। ये दो औज़ान के ऊपर जब हम सुलासी मुजरद के किसी भी बाब से इस्म ज़र्फ़ बनाते हैं तो या तो वो मफ़ालुन के वजन पे होता है या मफ़ईलुन के वजन पे होता है, और सुलासी मजीद के लिए जो हमारे पास वजन होता है सुलासी मजीद फीही के लिए वो इस्मुल मफ़ऊल का वजन ही इस्म ज़र्फ़ के लिए भी चलता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ मिसालें हैं ये जो मफ़ालुन और मफ़ईलुन के वजन पे जो कि सुलासी मुजरद के अबवाब से बनते हैं, उनकी हम कुछ मिसालें देखते हैं, मकतबुन मनवरुन मरकदुन मशरबुन मतलाउन मस्कानुन, ठीक है। मकतब जो है जगह है जहाँ पे किताबें होती हैं, मंवर जो हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं नज़ारा जो होता है एक देखने की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं, और इसी तरह मफ़ईलुन में हमारे पास मजलिसुन मंजिलुन मर्जीउन, ये हमारे पास जो है इसके कुछ मिसालें हैं इस वजन के ऊपर। अच्छा, अब ये सवाल आ सकता है, हो सकता है किसी के जहन में कि हम किस बाब से किस वजन के ऊपर जो है ये बनाएंगे इस्म ज़र्फ़। तो इसमें असल में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना कि सुलासी मुजरद के जो अबवाब है इसमें बाब दरब और हसीबा से जो इस्म ज़र्फ़ है वो मफ़ईलुन के वजन पे बनता है। तो यानी अब हम हो सकता है इसके लिए हमें जो है वो डिक्शनरी मैं रिकमेंड करूंगी कि अगर हमने कभी भी किसी लफ्ज को इस्म ज़र्फ़ देखना है सुलासी मुजरद के अबवाब में से तो हम बेहतर है कि डिक्शनरी यूज करें ताकि हमें पता चले कि हमने आइन फतहा के साथ रखनी है या कसरा के साथ रखनी है, ठीक है। मफ़ालुन या मफ़ईलुन के वजन से हम फिर इस तरीके से कर सकते हैं। ओके अच्छा, अब इसमें ये होता है कि ये दो औज़ान हमारे पास आ गए, अब अगर एक काम बकसरत हो रहा हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक वजन है हमारे पास इस्म ज़र्फ़ का जो कि मफ़ालतुन के वजन पे होता है, ठीक है। अब वो मफ़ालुन और मफ़ईलुन दोनों के लिए हमारे पास एक ही वजन होता है जब हम बकसरत किसी चीज को करते हैं, यानी हम एक काम बकसरत कहीं पे हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास एक ही वजन है, ठीक है, मफ़ालतुन। जैसे हम देख सकते हैं ये मदरसतुन है, मकबातुन मज़रातुन मकबरतुन और मकतबतुन, मकतबा लाइब्रेरी को कहते हैं, मदरसा जो इंस्टीट्यूट होते हैं पढ़ने वाली जगह होती हैं उनको कहा जाता है, मकबा जहाँ पर पब्लिश हो रही होती हैं चीजें वो होती है, मजरा जो है वो खेत को कहा जाता है, मकबरा जो है वो कब्रिस्तान जहाँ पे लोगों को दफन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
हाँ जी, इसमें हमारे पास अगर बकसरत हमने किसी भी चीज को शो करना है तो फिर उसके लिए हमारे पास एक ही वजन होता है और वो मफालतुन का वजन होता है। अब इसकी जमा के लिए हमारे पास, यानी ये जो हमने अभी तीन औजान देखे हैं ये वाहिद को शो कर रहे होते हैं, अब इनकी जमा के लिए हमारे पास एक ही वजन होता है और वो है मफाइलु, ठीक है, जो कि गैर मुनसरिफ है, क्योंकि इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो लाम है वो दमतान के साथ नहीं है, तो ये मफाइलु का वजन जो है ये गैर मुनसरिफ है। मसाजिदु, मनाज़िरु, मकातिबु, मदारिसु। अब एक और इस्म ज़र्फ़ का वजन भी है हमारे पास जो कि मिफ़ालुन के वजन पे है, मीक़ातुन, मीआदुन, मीज़ानुन, मिहराबुन और मीज़ानुन। ये हमारे पास कुछ मिसालें हैं इस वजन से। तो फिर मैं यही बात कहूंगी कि कंफ्यूजन मतलब अपने माइंड में लाने की जरूरत नहीं है कि मफ़ालुन हम किस मादे को मफ़ालुन के वजन पे रखें, किस मादे को मफ़ाइलुन के वजन पे रखें या किस मादे को मफ़ालुन के वजन पे रखें। इसके लिए आप डिक्शनरी कंसल्ट कर सकते हैं अगर आपने खुद से बनाना है कोई भी इस्म ज़र्फ़, वरना ये जो आपके पास औज़ान आपको दिए जा रहे हैं ये आपको मदद करेंगे जब भी कुरान में आप किसी भी लफ्ज को देखेंगे इस वजन के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इस्म ज़र्फ है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हमारे पास ये तो जो हमारे पास हमने औज़ान देखे हैं तीन, हमारे पास वाहिद के हैं और एक जो है वो जमा के लिए है जो कि गैर मुनसरिफ है। ये तमाम के तमाम औज़ान जो है ये सुलासी मुजरद के औज़ान है, जबकि सुलासी मजीद के लिए हमारे पास जो वजन होता है इस्मुल ज़र्फ का वो इस्मुल मफ़ऊल के ही वजन पे होता है, जैसे दखला से मुदखलुन, ठीक है, जहां पे दाखिल हुआ जाता है, ठीक है, कि काम हो रहा है, लेकिन इसके अंदर मफ़ऊल का मीनिंग भी मौजूद है, इस मफ़ऊल वाला मीनिंग भी मौजूद है जिसके ऊपर काम किया जा रहा होता है, और इसमें जो है वो ज़र्फ का मीनिंग भी मौजूद है कि ये जगह को शो कर रहा है। इसी तरह मखरजुन, तो एक ही वजन है जो कि दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इस्मुल मफ़ऊल के लिए भी और इस्मुल ज़र्फ के लिए भी। ठीक, अब सवाल ये आता है कि ज़र्फ और इस्मुल ज़र्फ में क्या फर्क है। जैसे इससे पहले जो हमने ज़र्फ का टॉपिक पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि जो ज़ुरूफ़ जुमला फ़ेलिया में हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं वो मफ़ऊल फ़ीही होता है, ठीक है ना, वो हालत नसब में होता है जुमले में, जो उसकी अराबी हालत होती है वो हालत नसब होती है और वो मफ़ऊल फ़ीही को शो कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास जो ज़र्फ़ होता है वो किसी भी जगह या वक्त को ज़ाहिर करता है, लेकिन जो इस्म ज़र्फ़ है वो जगह और वक्त के साथ साथ काम के करने या होने का मफ़हूम भी देता है। ठीक है, और दूसरा फर्क ये है कि जो ज़ुरूफ़ होते हैं वो हालत नसब में होते हैं, लेकिन जो इस्म ज़र्फ़ होता है वो तीनों अराबी हालात में आता है, वो हालत रफ़ में भी होता है, हालत नसब में भी होता है और हालत जर में भी होता है। जैसे इसकी मिसाल हमारे पास है कि मसाजिदुल मुस्लिमीना, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये मुदाफ मुदाफ इलैह है जिसमें मसाजिद हमारे पास हालत रफ़ में है। वालेकुम अस्सलाम जी, अभी आपने कहा कि इसमें ज़र्फ़ ये जो है सॉरी ज़र्फ़ मफ़ऊल फ़ी ही होते हैं, नसब में होते हैं और इसमें कोई हमें वो नहीं लगता, काम होने का बात नहीं पता चलती, अगर मतलब मैं ये पूछना चाह रही क्या इसमें जमाना इस्मुल मफ़ऊल है लेकिन क्या फिर जमाना मालूम होता है, काम होने का पता चल रहा है इसमें ज़र्फ़ में, यानी जैसा हमें फेल में काम होने का जमाना पाया जाता है, क्या ऐसी कुछ बात है इसमें, मतलब इसमें इसमें ज़र्फ़ में ऐसा है ना कि यहाँ पे जैसे लिखा है कि काम करने या होने का मफ़हूम होता है, जैसे मसाजिद है तो ऐसी जो सजदा करने की जगह होती है उसको मसाजिद कहा जाता है ना, वैसे तो हम इसको एज अ टर्म यूज करते हैं, लेकिन मस्जिद को मस्जिद क्यों कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर हम सजदा करते हैं, तो सजदा करने का मफ़हूम उसके अंदर मौजूद है,
इस तरह से, यानी कोई काम हो रहा होता है उसके अंदर। अच्छा, जमाना जो है जर्फ में, हाँ जर्फ में सिर्फ खाली मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, इसमें लाइक मसाजिद मस्जिद यानी एक कॉन्सेप्ट कंप्लीट मीनिंग मालूम हो रहा है। हाँ, आपको एक काम का मफहूम बीच में पता चल रहा होता है। जमाना जो है वो जमाना फिर फेल के साथ मुख्तस होता है ना, कि फेल माजी होगा मुदारे होगा, फिर डिपेंड करता है वही। तो काम होने का पता चलता है, यानी इसका मतलब जमाना नहीं है सिर्फ काम होना, जैसा वर्ड इसमें वर्ब भी शामिल होता है, लिखना पढ़ना ये जस्ट इसमें शामिल होता है अरबी में, तो उसी तरह ये भी जस्ट इसमें है, लेकिन इसमें कोई जमाना नहीं मालूम होगा, सिर्फ काम होना। हाँ, काम होने का पता चल रहा होता है। मस्जिद जो है वो सजदा करने की जगह होती है, मशरब एक ऐसी जगह होती है जहाँ से आप पीते हैं, पानी पीते हैं, घाट घाट जी जी, इस तरह से आपको काम करने का मफहूम उसके अंदर मौजूद होता है। जबकि जमाने की फायदा बिल्कुल जमाना इसके अंदर नहीं होता, क्योंकि ये जाहिर है इसमें आ रहा है, तो इसमें जमाना का अमल नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मसाजिदुल मुस्लिमीन में हमारे पास जो इस्म ज़र्फ है ये हालत रफ में है, क्योंकि ये मुदाफ है। फिर इसके बाद हमारे पास हालत नसब की मिसाल में आ रहा है कि क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हालत नसब में है। अलिमा मशरबहुम यानी जान लिया अपना अपना घाट, तो मफ़ऊल भी है यहाँ पर जो मशरबा है, मशरब जो है यहाँ पे। फिर इसी तरह सलामुन हिया हत्ता मतला अल्फज्र, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मतला जो है वो हालत जर में है। तो इस तरह से जो हमारे पास ये इस्म ज़र्फ होता है ये तीनों अराबी हालात में मौजूद होता है जुमले के अंदर, जबकि जो ज़र्फ है वो सिर्फ और सिर्फ हालत नसब में पाया जाता है जब ये जुमला फेलिया में आता है, जुमला फेलिया में आता है, क्योंकि उसकी जो वो होता है स्टेटस होता है वो मफ़ऊल फी ही होता है। इसके बाद हमारे पास अगला आता है इस्म सिफा, इसको इस्म सिफा भी कहते हैं और सिफत मुशब्बा भी कहते हैं, क्या यानी ये दोनों नाम सेम इसी चीज के हैं। अब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी क्वालिटी होती है जो इस्म सिफा के अंदर आ रही होती है, वक्ती भी हो सकती है और दायमी भी हो सकती है। अब उसके हमारे पास कुछ औजान यहाँ पे मौजूद हैं, फ़ालुन फ़िअलुन फ़ुलुन फ़ालुन फ़ाइलुन, यहाँ पे जैसे हमने देख सकते हैं कि साबुन है, सफ़रुन है, हुलवुन है, हसनुन फ़रीहुन जबानुन शुजाउन, तो ये हमारे पास कुछ औजान हैं जो कि इस्म सिफा के हैं। और इसके बाद आखिरी वजन जो इसका यहाँ पे लिखा हुआ है वो है फ़ाइलुन, करीम समीर हरीस रहीम बसीर और रजीम भी इसी वजन के ऊपर है। तो ये हमारे पास इस्म सिफा के लिए भी आते हैं और सिफत मुशब्बा भी इनको कहा जाता है। अब इसमें जो है वक्ती सिफत भी मौजूद हो सकती है और दायमी सिफत भी मौजूद हो सकती है, जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला के नामों में से करीम है, समीर है और रहीम है, ये फाइल के वजन पे आ रहे हैं। तो ये सिफात हैं, अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं जो कि इस वजन के ऊपर आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो फाइल का सीगा है ये इस्मुल फाइल का मफहूम भी अदा करता है समटाइम्स, और कभी कभी ये जो है वो इस्मुल मफ़ऊल का मीनिंग भी देता है। जैसे समीउन सुनने वाला, यहाँ पे फाइल है, ठीक है, इस्मुल फाइल का मीनिंग हो रहा है इसके अंदर। बसीरुन देखने वाला, और अतील और रजीम, ये इनके ऊपर काम हो रहा है, तो ये इस्मुल मफ़ऊल का मीनिंग भी इसके अंदर आता है। कत्ल किया हुआ और रजम किया हुआ, तो एक वजन है, लेकिन कभी ये इस्मुल फ़ाइल के मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कभी इस्मुल मफ़ऊल के मीनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, इसके बाद इस्मु सिफा के अंदर ही एक सब टाइप हम कह सकते हैं होती है, जिसको हम कहते हैं इस्मुल मुबालगा। मुबालगा होता है किसी भी सिफत के अंदर
बहुत एग्जेजरेशन कर देना, ज्यादती का मफहूम, कसरत का मफहूम उसके अंदर ऐड कर देना। तो इसके लिए भी हमारे पास कुछ औजान है जो कि इस्मुल मुबालगा के अंदर आते हैं, क्योंकि सिफत की बात है ना, जब आप किसी शख्स की सिफत में मुबालगा आराई करते हैं तो उसके लिए आप कौन कौन से सीगे इस्तेमाल करते हैं, जैसे फ़ालुन है, फ़ाउल है, और फ़ाइल है, और फ़ालान है, फ़ालानु भी है और फ़ालानुन भी है। तो ये जो तमाम सीगे हैं ये सिफत के अंदर मुबालगा पैदा करते हैं। और इसमें हम देख सकते हैं कि इन सीगों में से बहुत सारे सीगे जो है वो अल्लाह ताला के सिफाती नामों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे गफूर, सबूर, शकूर है, ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, गफ्फार है, तवाब है। अच्छा, अब और बाकी भी अल्फाज इन उजान के ऊपर आते हैं, जैसे हम्मालुन है, खब्बाजुन है, खयातुन है। ओके, रहमान, रहमान किस वजन पे है? फौलान, रहमान, नहीं फौलान तो नहीं होगा, रहमान। ये जो है ये फालान के वजन पे रहमान आ रहा है। ओके, जी जी, जजाक, बिल्कुल। अच्छा, ओके, तो ये हमारे पास कुछ सीगे हो गए जो कि इस्मुल मुबालगा के हो गए। और इस्मुल मुबालगा के काफी सारे और सीगे भी मौजूद हैं, जैसे फुआलुन है, फ़ालतुन है, फुआलुन है, और बहुत सारी और सीगे हैं जो कि इस्म मुबालगा के हैं। यानी इन वजन के ऊपर जब भी कोई इस्म हमारे पास होता है तो उसके अंदर एग्जेजरेशन का मानी मौजूद होता है। जैसे गफ्फारुन है तो ये सिर्फ बख्शने वाला नहीं, इसको फिर हम कहेंगे ये बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। यानी अल्लाह ताला के लिए जब हम गफ्फार या गफूर का वर्ड यूज करते हैं, सिफत यूज करते हैं, तो फिर नींबू की दाल अलाउंड, नींबू की दाल अलाउंड, इसका ये मतलब नहीं है खाली कि इसमें सिर्फ बख्श देने का मीनिंग है, बल्कि सिफत के अंदर एग्जेजरेशन पाई जाती है कि बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। अच्छा, अब इसी की एक सब टाइप है जो कि अलवान और उयूब के की कैटेगरी हम कह सकते हैं इसको। अलवान होते हैं रंग और उयूब होते हैं किसी भी चीज के अंदर हम ऐब जो लगाते हैं ना, तो ऐब और अलवान के लिए हमारे पास कुछ औजान मौजूद हैं। और ये भी अस्माए सिफा के अंदर ही है, क्योंकि सिफत जाहिर है किसी की अच्छी भी हो सकती है और किसी की बुरी भी हो सकती है, तो बुरी जो है वो फिर ऐप के अंदर आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ औजान उसके लिए मौजूद है कि जब हम इसको मुजक्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका वजन होगा अफ़ालु, जब मोनस के लिए इस्तेमाल करेंगे यानी लौन और अयूब की बात हो रही है तो उसका वजन होगा हमारे पास फ़ालाउ, जबकि इनकी जमा जो है वो एक ही वजन पे होती है और वो है फ़ुलुन। अफ़ालु और फ़ालाउ ये दोनों औजान हमारे पास जो मुज़क्कर और मोनस के लिए इस्तेमाल होते हैं ये हमारे पास औजान गैर मुनसरिफ है, ठीक है, इनके आखिर में तनवीन नहीं आती है। और फ़ुलुन जो है वो हमारे पास एक वजन है जो कि मुज़क्कर मोनस दोनों के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जब हम जमा इस्तेमाल करना चाहते हैं इन्हीं वर्ड्स के साथ। इसमें जैसे अहमरु से हमराउ और हमरुन, अहमरु सुर्ख रंग होता है मुज़क्कर, हमराउ मोनस है, और हमरुन जो है वो इसकी जमा है। अब रंग मुज़क्कर और मोनस कैसे होते हैं ये डिपेंड करता है कि हम किस चीज के साथ उसको लगा रहे हैं। यानी अगर हम मुज़क्कर की, मुज़क्कर कोई चीज है उसको हम कहते हैं तो हम कहेंगे ये अहमर है, और अगर हम किसी मोनस चीज को रेड कलर कह रहे हैं तो फिर हम उसके लिए हमराउ का वर्ड यूज करेंगे। अच्छा, लेकिन इसकी जमा का हमारे पास एक ही वजन है और वो है हमरुन।
اسی طرح جیسے ہمیں یہ ورڈ ملتا ہے قرآن میں بھی اصم اعمى, تو یہ ہمارے پاس اسم یہ جو الوان اور عیوب میں جو اسم صفہ ہے اس کے اوزان ہیں یہ. ٹھیک, اصم گونگا کے لیے ہوتا ہے اور اعمى جو ہے وہ اندھے کے لیے ہوتا ہے. اوکے, اب اسی کے اندر اسم التفضیل کا بھی ایک ٹاپک ہے, ایک سب ٹائپ ہے اس کی, جو ہمارے پاس اسم الصفہ آ رہی ہے, جس کو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جب ہم نے کمپیریزن کرنا ہوتا ہے یا پھر سپرلیٹیو ہم کرتے ہیں کسی بھی اسم کو, تو اس کے لیے ہم افعال کا وزن استعمال کرتے ہیں. اوکے, اور لاسٹ میں ہمارے پاس آ گیا اسم الاعلیٰ. اسم الاعلیٰ جیسے ہم اردو میں بھی اعلیٰ کا ورڈ استعمال کرتے ہیں, یعنی جو بھی چیز ہم جو اعلیٰ ہوتا ہے نا, جیسے ہم اردو میں اعلیٰ کہتے ہیں, بالکل یہ وہی والا اعلیٰ ہے. یعنی کوئی ایسی ہتھیار جیسے ہم چابی ہے, اس سے ہم کھولتے ہیں نا, دروازہ کھولتے ہیں, تالا کھولتے ہیں, تو یہ ہمارے پاس ایک اعلیٰ ہے. تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس یہ موجود ہے, وزن موجود ہے عربی زبان میں جو کہ اسم الاعلیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جیسے کہ مفعلن ہے, مفعلتن ہے اور مفعلن ہے. مفتاحن جیسے چابی کی میں نے ابھی آپ کو مثال دی, تو مفتاحن اسی وزن کے اوپر آتا ہے. اس طرح مطرقتن جو ہے ہتھوڑے کو کہا جاتا ہے جو کہ ایک آلہ ہے. ٹھیک, اسی طرح مبردن ریتی ہوتی ہے, اور اسی طرح معرجن سیڑھی کو کہتے ہیں, مکھنستن جو ہے جھاڑو ہوتا ہے, اور مصباح چراغ ہے. اور یہ بھی جو تینوں اوزان ہیں یہ واحد کے اوزان ہیں. اب اس سے جو جمع ہوگی وہ کیسے ہوگی کہ مفعلن اور مفعلتن ان دونوں اوزان سے ہمارے پاس جو جمع بنے گی وہ مفاعل ہوگی. ٹھیک, اور جبکہ مفعلن کے وزن پہ جو ہم جمع بنائیں گے وہ مفاعل ہوگی. جیسے مفتاحن ہے, ایک چابی ہوتی ہے, تو ہم کیا کہیں گے, مفاتیح. ٹھیک ہے, مفعال کے وزن پہ جو ہم جمع استعمال کریں گے وہ ہے مفاعیل, تو مفاتح اس کو ہم ایسے کہیں گے. ٹھیک, جیسے یہ مطرقتن ہمارے پاس ایک ورڈ ہے ہتھوڑے کے لیے, مفعلتن کے وزن پہ, تو اس کی جب ہم جمع استعمال کریں گے, یعنی جب ہم نے کہنا ہوگا بہت زیادہ ہتھوڑے, تو ہم اس کو کیا کہیں گے, مطارقو. ٹھیک ہے, اس میں جو تائے مربوطہ ہے وہ ہٹ جاتی ہے اور باقی ہمارے پاس جو ہے وہ مفاعل کے وزن پہ وہ ورڈ آ جائے گا. تو یہ ہو گیا ہمارا اسم الاعلیٰ, جس کی کچھ مثالیں قرآن مجید سے بھی ہیں. مثل نوره کمشکات فیہا مصباح, تو یہاں پر مصباح جو ہے وہ اس کے وزن پہ ہے. مصباح جو ہے وہ مفعلن کے وزن پہ ہے. لا تنقص المکیال والمیزان, مکیال اور میزان جو ہے وہ ہمارے پاس ہے, لیکن یہ کس وزن پہ ہوں گے, ہاں مفعال کے وزن پہ ہوں گے یہ مکیال اور میزان. اچھا, اس کے بعد ہے ان نازین سما دنیا بھی مصابیح, تو مصابیح یہ جمع ہو گئی جو کہ مفاعیل کے وزن پہ ہے, اور یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو مفاعیل ہے اور جو مفاعیل ہے یہ دونوں اوزان ہمارے پاس غیر منصرف ہے, اسی لیے بھی مصابیح ہا جو ہے فتحہ کے ساتھ موجود ہے, جبکہ یہ حالت جر میں ہے یہاں پر. تو یہ ہو گیا ہمارا ٹاپک یہاں پہ.
الحمدللہ ہم نے اس کو ختم کر لیا کتاب کو. اب ہم نے ایک درس شروع کیا تھا مدینہ بک سے. اوکے یہ جو پیسج تھا یہ ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا میرا خیال ہے. اب مجھے بھی صحیح سے یاد نہیں ہے کہ ہم نے کہاں تک پڑھا تھا, لیکن اس کو شروع کرتے ہیں ہم. جیسے یہاں پر باپ اور بیٹوں کی جو ہے وہ بات چیت ہو رہی تھی, تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں یہاں سے کہ الابو سمعت ان بلالا مریض وانه فی المستشفى اصحیح هذا. اب یہ جو والد صاحب ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں اپنے بچوں سے. سمعت ان بلالا مریض, یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سمعت فعل ہے, جو جبکہ اس کے بعد جو ہمارے پاس جملہ بن رہا ہے وہ انا سے شروع ہو رہا ہے, جو کہ انا و اخواتیہ کے گروپ میں سے ہے. تو اس میں جو اسم و انا ہو گئی وہ بلالن, اور مریض جو ہے وہ خبر انا ہو گئی, انا بلا خبر انا ہو گئی. انا بلالن مریض و انہ فی المستشفى و انہ ہو جو ہے وہ ضمیر اس کی ساتھ جو اٹیچ آ رہی ہے یہی اس کا اسم بھی ہے انا کا. اصحیح هذا الابناء, نعم هذا صحیح شفاه الله. یہاں پہ جو ہمارے پاس یہ هذا صحیح ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس جملہ کون سا بن رہا ہے اور اس میں کیا کیا ایلیمنٹ ہے هذا صحیح میں؟ مبتدا اور خبر ہے. بالکل مبتدا خبر ہے, جملہ اسمیہ ہے. اور جو اگلا جملہ ہے وہ کون سا ہے؟ یہ بھی جملہ فعلیہ. ہاں جی جملہ فعلیہ ہے. ہاں ہمارے پاس ہو گیا فعل اور ضمیر ہے وہ ہو گئی ہماری, اللہ جو ہے وہ فاعل ہو گیا. الاب امین متى دخل المستشفى الابناء دخل قبل ثلاثه ايام. یہاں پہ یہ جو قبل ہے یہ ہمارے پاس ظرف آ رہا ہے. الاب اين الكتاب ذو الغلاف الاحمر احمر الذي كان في غرفتي. یعنی اب جو باپ ہے وہ سوال کر رہا ہے کتاب کے بارے میں جو کہ ریڈ کور والی تھی وہ کہاں پہ ہے. ارأيتموه, اب یہاں پر جیسے یہ فیل جو ہے یہ تھا رأيتم, آج جو ہے وہ تو استفہام کے لیے شروع میں استعمال ہوا ہے, جبکہ رأيتم تھا جو کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے ہمارے پاس, اور اس کے ساتھ ہو جو ہے وہ مفعول بھی ہے جو کہ کتاب کی طرف, یہ ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے. کیا تم نے دیکھا اس کو, مطلب کس کو؟ کتاب کو. تو یہ جو میم کی ایڈیشن ہوئی ہے یہ صرف اس کو رأيتم ہو, ظاہر ہے بولنے میں بھی ایک عجیب سا ساؤنڈ کرتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو یہ اس ضمیر کو ساتھ میں بولنے کے لیے جو ہے وہ میم کی ایڈیشن کی جاتی ہے. ارأيتموه یوسف انا اخذته البارحة وقرأت نصفه. الاب وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب. اب میگزین کے بارے میں سوال ہو رہا ہے بلال. هذه هي الاب, لا المجلة ذات الغلاف الاصفر. یعنی جو باپ ڈھونڈ رہا ہے وہ کون سے والا میگزین ہے جو کہ زرد رنگ کے کور والا ہے, ذات الغلاف الاصفر. مروان هي عندي اخذتها اليوم. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ڈور بیل بجتی ہے اور جو بہنیں ہیں یعنی وہ اب واپس گھر آئی ہیں. جیسے یرن الجرس فیقوم مروان ویفتح الباب وتدخل اخواته.
یعنی ان سارے بھائیوں کی جو اب بہنیں ہیں وہ گھر آ رہی ہیں البنات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب جواب دے رہے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الاب این ذهبتن یا بناتی. بنات ذهبنا لزیارۃ المدیرۃ. ذهبنا چونکہ یہ متکلم کا صیغہ ہے جمع متکلم کا صیغہ. الاب امشیتن ام ذهبتن بالسیارہ. یعنی اب آپ ان سے پوچھا کہ کیا چل کے گئے تھے تم لوگ وہاں پر یا پھر گاڑی میں گئے تھے. البنات مشینا لأن بیتها قریب من مدرستنا هو بین المسجد والمدرسۃ. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشینا جو ہے یہ ہمارے پاس ہو گیا فیل, جبکہ لأن بیتها قریب من مدرستنا. تو یہ انا کے بعد بیتا اسم انا ہو گیا اور قریب جو ہے وہ خبر ہو گئی, خبر و انا ہو گئی. اچھا الاب اوجدتنها فی البیت. البنات نعم وجدناها جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بیتها فی الساعة الخامسة. یعنی وہاں پہ یہ لوگ تین گھنٹے بیٹھی تھیں اور پھر جب پانچ بجے تو یہ وہاں سے واپس آ گئیں. الام ارأيتن المكنسة یا بناتو. اب جو ماں ہے وہ اپنی بیٹیوں سے جھاڑوں کے متعلق پوچھ رہی ہیں. بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. یہاں پر جو ضمیر استعمال ہو رہی ہے وہ ہا ہا کی ہے, یعنی مؤنث کی ضمیر استعمال ہو رہی ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ مکنسا جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ہے مؤنث ہے, اور مکنسا تو جو مکنسا جو ہے یہ ہمارے پاس مفعلہ کے وزن پہ جو ابھی ہم نے اسم اعلیٰ پڑھا ہے یہ بالکل وہی وزن ہمارے پاس آیا ہے یہاں پر. اور یہ بھی چونکہ ایک آلہ ہے یعنی صفائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہم اس کو, تو یہ اس وزن کے اوپر ہمارے پاس موجود ہے. اور یہ حالت نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول بھی ہی ہے. اچھا سعاد انا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. یعنی یہاں پر سعاد جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے اس کو رکھا تھا سیڑھی کے نیچے, جو سلم ہوتی ہے وہ سیڑھی کو کہا جاتا ہے. مروان یا امی افی الثلاجتی ماء بارد نحن عطاش. تو یہاں پر عطاش جو ہے وہ جیسے ہم پچھلے لیسنز میں دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس ایک تمرین تھی جس کے اندر ہم نے واحد اور جمع کیے تھے انہی غضبان عطشان ورڈ سے. تو عطاش جو ہے وہ جمع ہے کیونکہ نحنو ہمیں بتا رہا ہے, کیونکہ نحنو کے بعد ظاہر ہے جمع کا ہی ورڈ آئے گا. الام ابشر فیہا ماء بارد وعصیر البرتقال. تو یعنی ابشر جو ہے وہ افعل کے وزن پہ ہے, باب افعال سے فعل امر ہے اس کا, اور جس میں یعنی خوشی کی خبر دی جا رہی ہے, یعنی خوش ہو جاؤ تم لوگ کہ پانی ٹھنڈا بھی ہے اور عصیر جو ہے وہ جوس کو کہا جاتا ہے, تو اورنج جوس بھی موجود ہے اور ٹھنڈا پانی بھی ہے. اچھا اب اس میں جو پہلی اور دوسری تمرین ہے یہ انشاءاللہ آپ لوگ ہوم ورک میں کیجئے گا, تو ہم جو ہے وہ تھرڈ نمبر تمرین دیکھیں گے جو کہ جس کا جواب ہم نے درس سے ریلیٹڈ نہیں دینا, یعنی جو اوپر ہم نے کنورزیشن پڑھی ہے اس کے متعلق ہم نے جواب نہیں دینا, بس ایسے ہی رینڈملی ہم کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں. متى خرجتم من الفصل. تو اس کا آپ میں سے کوئی بھی جواب دے رینڈملی, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم, یعنی اس کا مطلب ہے نا کہ آپ جمع کا صیغہ ہے خرج تم, کہ تم لوگ کلاس سے کب نکلے. نحن خرجنا الان
हाँ ये भी हो सकता है कि नहनु खरजना अलान मिन अलफस्ल, फिर इसके बाद है अइना ذهبتم بعد الدرس, ज़हबना आईना ज़हबतुम, ज़हबना इलल मक्तबी बाद दर्सी, बिल्कुल इलल मक्तबी, ओके. मिन अई इज़ाअतिन समीअतुमुल अख़बार, इज़ाअत के मीनिंग ये जो होते हैं ना रेडियो स्टेशंस होते हैं इसको कहते हैं, जैसे ये हमारे पास दर्स में आया था दो इज़ाअ आए थे. हाँ जी, इज़ाअतुर रियाब है और इज़ाअतुल काहिरा और इज़ाअतुल लंदन. तो अच्छा, इज़ाअतु मतलब एक स्टेशन, एक हाँ अब सुनने के लिए जो आप यूज करते हैं स्टेशंस. ओके, वैसे हम तो जहाँ भी रह ले हम पाकिस्तानी न्यूज ही सुनते हैं ज्यादातर, बेशक हम किसी भी बाहर के कंट्री में भी रह रहे हो तो भी हम खबरें जब खोलते हैं तो हम पाकिस्तानी खबरें खोलते हैं, उर्दू में ही खोलते हैं ज्यादातर. इज़ाअतु पाकिस्तान, ओके. अच्छा, कुरत अल कदमी लाइबतुम अम कुरत अस सल्ला, जी कुरत, इसमें कुरत अल कदम जो है वो फुटबॉल को कहते हैं जबकि बास्केटबॉल जो है वो कुरत अस सल्ला को बोलते हैं. ओके, नहनु लाइबना कुरत अस सल्ला, नहनु लाइबना कुरत अस सल्ला, हमने खेला, हमने मतलब बार बार दो मरतबा इस तरह जमीर आ सकती, नहनु फिर लाइबना. हाँ हम यूज कर सकते हैं ऐसे दमीर को, बस उसमें ये होता है कि वो फिर जुमला जो है वो जुमला इस्मिया बन जाता है क्योंकि वो दमीर से स्टार्ट हो रहा है. नहीं से, जी जी. इसके बाद हमारे पास अगली तमरीन है जिसमें हमने जो अफार है उनको मोनस बनाना है, जैसे अशरिफ तुम है तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे अशरिफ तुम ना करके, अशरिबतुम अल-क़हवत या इख़वानु, तो अशरिबतुन अल-क़हवत या अख़वातु. तो यहाँ पे हम जो है इसको मुअन्नस करेंगे, तो इसमें जैसे अक़रअतुम है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, अक़रअतुम हाज़िहि अल-मुजल्लता, अक़रअतुन हाज़िहि अल-मुजल्लता या निसा, हाँ या निसाउ. इसके बाद अगला है अफहिमतुम अद-दर्स अल-जदीद या अबनाई, अफहिमतुन अद-दर्स अल-जदीद या अबनाई या बनाती, अबना जो है वो बेटा, जी जी जी, तो हम जो है उसको बेटी कर देंगे. मता खरजतुम मिन अल-मदरसति या औलादु, मता खरजतुन मिन अल-मदरसति या अबना बनात, हम कहेंगे या बनातू क्योंकि जो है वो मुफ़्तद है ना, मुफ़्तद मुनादा हालत रफ में. असमीअतुम, बिल्कुल, असमीअतुम अल-आज़ान या इख़वानु, असमीअतुन अल-आज़ान या अख़वातु, अख़वातु. रअयतुम अल-मुदर्रिस अल-जदीद या इख़वानु, रअयतुन अल-मुदर्रिस अल-जदीद या अखवाना, अखवातु, हाँ जी अखवातु, ठीक. इसके बाद हमारे पास आगे है और जिसमें हमने, हमारे पास दो अफाद मौजूद हैं जिसमें से एक हमने जो है वो चूज करना है, और इसको हम चूज किस बेस पे करेंगे, जो हमारे पास लास्ट में मुनादा आ रहा है ना उसको देखते हुए, जैसे अल कुरान अल यौम या अबनाई, तो अब जाहिर है अबनाई के लिए हम मुजक्कर का सीगा इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हम क्या कहेंगे, अक़रअतुम, बिल्कुल. और सेकंड में हम क्या करेंगे, रजअतुम, रजअतुन, रजअतुम अख़वानी, मतलब इख़वानी भाई के लिए, अख़वाती बहन, तो फिर ये रजअतुम, हाँ जी, मतलब रजअतुम होगा सेकंड वाले में. और थर्ड वन जो है वो रसलतुन,
बिल्कुल غسلتن وجوهكن بالصابون बिल्कुल. और फोर्थ वन में समय तुम या बनाती है ना. बिल्कुल हाँ जी हाँ जी या बनाती है और यहाँ समय तुन्ना आएगा. फिर इसके बाद जो फिफ्थ वन है मिन अय्यि बाब, यहाँ पे हम क्या कहेंगे दखलतुम. हाँ जी दखलतुम या दखलतुम अल मस्जिद या इख्वानी. और लास्ट वन लिमा फतहतुन्ना. बिल्कुल लिमा फतहतुन्ना النوافذ या बनाती. ओके बस नेक्स्ट वाली तमरीन करते हैं और इसके बाद फिनिश करते हैं. इसमें हमने क्या करना है काना की एडिशन करनी है. अल मुदर्रिसु क्योंकि मुब्तदा होगा. अल मुदर्रिसु फिल फसली कान अल मुदर्रिसु फिल फसली क़ब्ल 50 दक़ाइक. अच्छा इसके बाद हम करेंगे अत्तुल्लाब है तो कान अत्तुल्लाबु फिल मलअबी क़ब्ल निस्फ सा'तिन. फिर उम्मी है तो इसके साथ हम कानत का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मौनस आ गई. कानत उम्मी फिल मतबख़ क़ब्ल क़लील. अच्छा अब जो तमरीन शुरू होगी तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे. अल मुदीरु फी गुरफतिही कान अल मुदीरु फी गुरफतिही. फिर ये खबला से पहले भी वो करना है डैश. अच्छा नहीं यही लिखना है. हाँ बस यही लिखेंगे कान अल मुदीरु फी गुरफतिही क़ब्ल सा'तिन. अल वज़ीरु फी लंदन कबला साथ ही कबला के बाद ये इराब मतलब मुदाफ मुदाफ ले जैसी जैसे कबला अमामा खल्फा मुदाफ मुदाफ ले कबला सा'तिन क्योंकि मुनसरफ नहीं है ना. जो हमारे पास गैर मुनसरफ इस्मा होते हैं उनको हम तनवीन से नहीं लिखते तो ये जो है ये तनवीन के साथ आएगा. कबला सा'तिन निस्फ सा'तिन कबला कलीलिन इसी तरह अरबअत قبل أربعة أيام جب مضاف ہو جاتا ہے تو وہ تنوین نہیں لیتا نہیں لیتا تو پھر یہ مضاف نہیں بن رہا ہے یہاں پہ. اب یہ قبلہ ساتھ ہی کیونکہ یہ خلف امامہ تو مضاف بنتا ہے قبلہ بھی اسی طرح لگ رہا ہے. جی بالکل ہاں جی. یہاں پہ میرا بتانے کا مقصد یہ کہ ساعتن جو ہے وہ تنوین کے ساتھ ہم لکھیں گے. قبل ساعتن قبل اسبوع قبل قلیل. یہ غیر منصرف یعنی مطلب یہ حرکات क्या पढ़ा था हमने हरकत चेंज करते हैं मबनी नहीं चेंज करते. गैर मुनसरिफ मबनी जो होते हैं वो तीनों हालतों में एक जैसे रहते हैं जैसे हाजा अल्लज़ी ज़ालिका. जी हाँ बिल्कुल. लेकिन जो हमारे पास गैर मुनसरिफ होते हैं वो तीन हालतों में दो शक्लों में आते हैं जैसे अभी हमने मफाइलु क्या एक वजन पड़ा है इस्म आला के अंदर तो ये हालत रफ में मफाइलु होगा. हालत नसब में मफाइलू होगा सॉरी मफाइला होगा और हालत जर में भी मफाइला. जी जी गैर मुनसरिफ जो है वो हालत जर में उसको हम जज नहीं कर सकते वो नसब के जैसा ही दिखता है देखने में ऐसे ही होता है. जी जी ओके अब हम देखते हैं अगला अल वजीरु फी लंदन कान अल वजीरु फी लंदन قبل اسبوع بالکل. اخي في مكه یہاں پہ بھی ہم کانا استعمال کریں گے. کان اخي في مكه قبل اربعه ايام. اچھا آپ کے پاس اخي میری بک میں اختی ہے میں وہی سوچ رہی تھی اگر یہ فیمیل ہوگا تو پھر کانت اختی. بالکل بالکل اگر یہ فیمیل ہوگا تو پھر یہ جو ہے وہ کانت کے ساتھ آ جائے گا. الاطباء في المستشفى كان الأطباء في المستشفى قبل ثلث ساعة. الطالبات في المكتبة بلورال كانت طالبات. हाँ कानत तालिबात क्योंकि कानत सुकून है और अब तालिबात सुकून से शुरू हो रहा है तो हमें ताको बचानी होगी. कानत तालिबात फिल मकतब قبل قليل. बिल्कुल जी ठीक है. कोई सवाल आपका हो तो आप पूछ सकते हैं. जी बस थोड़ा सा फेवर चाहिए कि क्योंकि ना ये कोर्स अगर होने के बाद भी अगर कहीं मुझे ग्रामर की जरूरत पड़े तो आपसे मैं पूछ सकती हूँ.
बिल्कुल बिल्कुल, आप में से किसी को भी कोई भी हेल्प चाहिए हुई कभी भी, तो आप लोगों के पास नंबर है, आप कभी भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह खैर, जज़ाक अल्लाह। याकी याकुन्ना سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته